हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, एक्चुअली माय न्यू चैनल लाइफ विद रितु। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम खुश कैसे रहें। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने मेन चैनल पे बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों की दिक्कत, टेंशन, सब कुछ सुना मैंने। मैं अपनी लाइफ में भी मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। तो एक चीज मैंने महसूस किया कि हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को खुश रखने का, लेकिन हम पॉसिबल नहीं हो पाता। चीज हमारे सामने टिकती नहीं है और टेंशन हमारे शरीर में भर भर के रहता है, तो बाल्टी भर भर के। तो इससे हम लोग, बहुत लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि शायद थोड़ी सी हेल्प आपको हो पाए। अगर आप मुझे मेन चैनल पे मेरे फॉलो करते हैं रितुज वर्ल्ड पे, तो वहां पे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, मतलब बात किया होगा मेरे से, और आपको पता है कि मैं किस टाइम से गुजर के यहाँ तक पहुंची हूँ, कितने मेंटल प्रेशर से, कितने डिप्रेशन से गुजर के मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं तो उन सिचुएशन में भी गई हूँ जिस टाइम में मुझे ऐसा लगता था ना कि अब बस मुझे जीना नहीं है। मुझे ऐसा भी सिचुएशन मेरी लाइफ में हुआ है। उस सिचुएशन में आई हूँ कि जब मैं मेडिसिन खाती थी नींद आने की, लेकिन मुझे नींद की मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं उन दिनों में भी गई हूँ, वैसी लाइफ भी देखी है। इतनी डिप्रेशन में थी कि जो हस्बैंड मेरे इतने साथ देते हैं, मेरे इतने सपोर्ट करते हैं मुझे, लेकिन उनको भी मैं, मतलब उनको भी बहुत तकलीफें दी है, बहुत सारी तकलीफें दी है। और आखिर देखो, जब जो कुछ होना होता है तब तो होता ही है, और अब जाके मुझे इस सब चीजों की रियलाइज होती है कि मैं ये सब क्यों की, किस लिए की, इस सब से क्या मिला। सिर्फ खुद को टॉर्चर किया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया, किसी और कुछ नहीं हुआ। तो क्या मिलता है हमें ये सब करके। आई नो टेंशन जिस पे गुजरती है वही समझता है। जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, बहुत लोग ऐसा भी बोलेंगे कि भाषण देना आसान है और लाइफ में इस चीज को फॉलो करना मुश्किल है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि भाषण देना आसान होता है, लेकिन मैं ऐसी भाषण नहीं दे रही हूँ। मैं उस टाइम से निकल के आई हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप सभी से बोल रही हूँ कि इस सबसे कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको ज्यादा किसी बात को लेकर आप ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो पता है क्या होता है, मैंने ऐसा सुना है हमेशा से है, अब मैं मानती भी हूँ कि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। तो अच्छा सोचोगे आप अपने साथ तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। और ये चीज मैंने देखा है। मैं जब भी कुछ उल्टा सोचती थी ना, जिन दिनों में मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत बुरे टाइम से मैं जब गुजरी थी, तब मैं जो गलत सोचती थी वो गलत ही होता था, अच्छा कुछ होता नहीं था, क्योंकि अच्छा तो दिमाग में उस समय आता ही नहीं है ना। और उस टाइम अच्छा कुछ नहीं होता था, और सारे उल्टे फुलटे चीजें होती थी, उल्टे फुलटे ख्याल भी होते थे, और मेरे काम भी उल्टे फुलटे ही होते थे। तो ओवरऑल सब कुछ उल्टा फुलटा होता है, जो आपकी लाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके खुद के लिए भी सही नहीं होता है। और ये चीज हम उस समय रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, तो सिर्फ आप खुद हो कि आप उस टाइम से अपने आप को कैसे निकालोगे। आपके जगह पर ये काम कोई नहीं कर सकता है। डिप्रेशन, जिस दिनों में मैं बहुत डिप्रेशन में थी, हाँ ऑफकोर्स मेरा जो बैकबोन है, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत संभाला, बहुत मेरी वजह से उन्होंने बहुत कुछ झेला भी है, बहुत बहुत चीजें झेली है। लेकिन फिर मैंने खुद से हिम्मत किया और मैंने खुद को चेंज करने की कोशिश की। मतलब खुद की आइडेंटिटी चेंज नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैंने खुद के उस टाइम को चेंज करने की कोशिश की, जो मैंने दिमाग में कचरा भर रखा था उसको निकालने की कोशिश की। मैं खुश रहने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे पॉसिबल हुआ। ट्रस्ट मी, पॉसिबल होता है अगर आप ठान लो ना कि हाँ अब मुझे टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, सब कुछ सही होना है, तो होगा। मेरे मेन चैनल पे जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग अपनी बातें बताते हो, आपका बेबी नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं उस टाइम से गुजरी हूँ, आप सभी जानते हो, मैं उस टाइम से निकल के आई हूँ। और आखिर बेबी आना था, आ गया, सब कुछ सही हुआ,
लेकिन वो टाइम रियली में मेरे लिए बहुत, मेरी लाइफ के वो साल बहुत गंदे साल थे, बहुत ज्यादा गंदे साल थे, जिसमें मैं पागलों की तरह बिहेव करती थी, मतलब साइको हो गई थी, ऐसा मैंने खुद को कर रखा था। कभी कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता था मेरे मुंह से, मेरे हस्बैंड कभी कुछ बोलते और मैं सुनती कुछ और करती कुछ, ऐसा ही होता था। सब कुछ गड़बड़ पड़बड़ होता था, सब कुछ गड़बड़ होता था, तो सब कुछ गड़बड़ होता था मेरी लाइफ में। बट टाइम आया जो सब कुछ सही हुआ, और ये नन्हा सा मेहमान भी मेरी गोदी में आ गया। ऐसे ही आपका भी टाइम आएगा, सिर्फ आपको कोशिश करनी है खुद के लिए। ना मेरे लेक्चर देने से आपका कुछ होगा, ना आप किसी और के भी लेक्चर देने से आपका कुछ होगा। आपको जो करना है खुद से खुद के लिए करना है। हम सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जरूरत पड़ी तो संभाल सकते हैं, लेकिन जो आपको दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना, वो आपको खुद से करनी होगी, और कोई आपको आपको नहीं करवाएगा, कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। तो प्लीज अपने आप, अपना माइंड जो है शांत कीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जो चीज आप, जिन टाइम में आप अपने आप को परेशान करते हो ना, उल्टे चीजें आती है, ख्याल आते हैं, उन टाइम में आप अपने हॉबीज को, एक्टिविटीज को, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। बर्तन तोड़ने का मन हो, बर्तन भी तोड़िए, है ना बेटा, बर्तन भी तोड़िए, लेकिन अपने आप को उस गम से बाहर निकालिए। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। मुझे खुद को अच्छा बनाना है तो मैं ही, मुझे ही करना होगा, और मेरे सिवा और ये कुछ कोई नहीं कर सकता है। तो प्लीज आप अपने आप को खुश रखिए, और देखिए लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी पॉजिटिव सोचोगे ना, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी, और सब कुछ पॉजिटिव होगी। ऊपर वाले को भी सुनना पड़ेगा आपको, और ये मैंने भी देख लिया है कि हाँ, जब हम सब चीज पॉजिटिव करेंगे ना, तो ऊपर वाले को भी हमारे लिए सुनना पड़ता है, हमारी बात सुननी पड़ती है उनको, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और देखिए सब कुछ अच्छा होगा। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें ये मुझे परेशान ना करे। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूले। और हाँ, थोड़ा सा अच्छी बातें मैं करती हूँ तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों तक मेरी अच्छी बातें पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।